नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाक जीवन बीमा करवाने के लिए कौन कौन व्यक्ति इलिजिबल है। अभी हाल ही में 12 मार्च 2021 को डाक विभाग ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके अंदर काफी लोगों को पीएलआई के दायरे में ले लिया है। आगे बढ़ने से पहले पीएलआई की सामान्य जानकारी कर लेते हैं। पीएलआई के लिए आपकी मिनिमम एज 19 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 55 साल हो सकती है। मिनिमम आप सम एश्योर्ड 20,000 का ले सकते हैं और मैक्सिमम इंश्योरेंस आप 50 लाख का ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भरने की सुविधा मिलती है। सबसे पहले पीएलआई योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, कुछ समय पहले काफ़ी लोगों के लिए यह खोल दी गई थी। तो इस वीडियो में केवल पीएलआई की इलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाएगी। पीएलआई के अंदर जितने प्रकार के प्लान होते हैं उन सभी के वीडियो हमारे चैनल पर पहले से हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पीएलआई सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन सभी में काम करने वाले लोग जो कि परमानेंट है उनकी पीएलआई हो सकती है। इसके अलावा नेशनलाइज बैंक के कर्मचारी, ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर काम करने वाले और जिनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया है और कॉन्ट्रैक्ट उनका आगे बढ़ सकता है, ऐसे लोग भी पीएलआई करवा सकते हैं। इसके अलावा सभी कॉमर्शियल बैंक के कर्मचारी भी पीएलआई के लिए एलिजिबल है। आगे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर काम करने वाले लोग भी पीएलआई करवा सकते हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉई जैसे कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके एम्प्लॉई भी करवा सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, ये सारे स्कूल कॉलेज जो है बोर्ड से रिकॉग्नाइज होने चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से हो सकते हैं। ओपन स्कूल के जो इंस्टीट्यूट है उनमें काम करने वाले व्यक्ति भी पीएलआई करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोफेशनल को भी अब पीएलआई के अंदर ऐड कर दिया गया है जैसे कि डॉक्टर्स हैं, भले ही वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करें या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करें। इसके अलावा रेजिडेंट्स डॉक्टर है जिनको कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट बेसिस पर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया गया है। इसके अलावा इंजीनियर्स जिनके पास में मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टेड अकाउंटेंट जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा आर्किटेक्ट्स, बार काउंसलिंग के अंदर रजिस्टर्ड लॉयर्स, नेशनलाइज बैंक के अंदर काम करने वाले बैंकर्स, फॉरेन बैंक में काम करने वाले लोग, आरआरबीज के अंदर जो काम करते हैं वो लोग, और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनके कर्मचारी भी पीएलआई ले सकते हैं। इसके अलावा उन कंपनियों के कर्मचारी जो कि एनएससी या बीएससी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, चाहे वो आईटी में हो, बैंकिंग या फाइनेंस में हो, हेल्थ केयर में हो, फार्मा में हो, एनर्जी या पावर कंपनीज के अंदर हो, टेलीकॉम्स के अंदर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, इन कंपनी के वो कर्मचारी ही पीएलआई करवा सकते हैं जिनका प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। अभी हाल ही में जो 12 मार्च 2021 को पीएलआई डायरेक्टरेट से ऑर्डर आए हैं उसमें काफ़ी लोगों को पीएलआई के लिए एलिजिबल कर दिया है। अब वे लोग भी पीएलआई करवा सकते हैं जिनके पास में मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी, डेंटल, वेटरनरी कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, वेब डिजाइन, जेम एंड ज्वेलरी एंड डायमंड डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, लेदर डिजाइन, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पायलट, विजुअल कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशंस, फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑप्टोमेट्री, फिशरीज, होम साइंस, फूड प्रोडक्शन, जेबीटी, डीआईईटी, बीएड और एमएड जैसी डिग्री या डिप्लोमा आपने किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि किया है
तो आप PLI करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़ी समस्त जानकारी दी जाएगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया तीनों ही प्रकार की मीडिया कंपनीज के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय और जर्नलिस्ट जो है PLI करवा सकते हैं। स्टेट बार काउंसलिंग के एम्प्लॉय और लॉयर्स भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एंडोमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेम्पल एंड रिलीजियस पैलेस के कर्मचारी भी PLI ले सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन और रेगुलर एम्प्लॉय PLI ले सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिकॉग्नाइज ITI कोर्सेज हैं उनके अंदर जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है वो लोग भी इसके अंदर एलिजिबल है। इसके अलावा यदि आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचों के अंदर यदि आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा या AMIE किया है तो भी आप PLI के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ ICAI, ICSI और ICWAB PLI ले सकते हैं। इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट ने यह भी कहा है कि जो डिफरेंट कैटेगरी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको लगातार PLI के लिए एलिजिबल किया जा रहा है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और जो लगातार चलती रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।